We are reading chapter number 9 about animals. And in this chapter, we have studied about animals in group. ये topic हमारा clear हो गया. Some animals are shy. कुछ animals shy होते हैं, friendly होते हैं human being के. और कुछ animals shy होते हैं, मतलब शर्माते हैं. वो animal को देख करके या छोटी सी आहट होने पर भी दूर चले जाते हैं ह्यूमंस के. और कुछ बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, जैसे डॉग. अगर हम उनको थोड़ा सा लव और केयर देंगे तो वो हमारे बिल्कुल पास आते हैं. तो इस तरह से सम एनिमल्स आर शाय, ये टॉपिक भी हो गया है. एनिमल्स इंटरेक्शन, कल ही हमने ये टॉपिक क्लियर किया है. हाउ एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस, किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या क्या उनसे हमको फायदा होता है, ये भी कल हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है. तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स, एनिमल अपीयरेंसेस. एनिमल अपीयरेंसेस का मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे कौन कौन सी अपीयरेंसेस होते हैं जो हमको दिखाई देती है, जो उनकी बॉडी के आउटसाइड बाहर होती हैं और जो उनको अदर एनिमल्स से डिफरेंट बनाती है. फॉर एग्जांपल इसमें है, एनिमल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंसेस. इसमें पेज नंबर 58 पे फर्स्ट थ्री टॉपिक्स आपको दिए, इसके अंदर आप जानेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट अपीयरेंसेस होते हैं. फर्स्ट में है, सम एनिमल्स आर कवर्ड विद फर. आपने देखा होगा आपके आसपास जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो फर से, मतलब कि बिल्कुल महीन बालों से ढकी होती है. कुछ की बॉडी जो उनको बहुत हेल्पफुल होती है विंटर्स में या बहुत ज़्यादा ठंडी जब होती है तो ये फर उनको वार्म देते हैं, गर्मी देते हैं और कोल्ड से बचाते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पे जो फर होता है वो शॉर्ट होता है, बहुत छोटे होते हैं और पूरी बॉडी को कवर किए हुए होते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे लॉन्ग फर होते हैं, जैसे याक की बॉडी पे, पॉलर बियर, उनकी बॉडी पे जो फर होता है वो बहुत लॉन्ग होते हैं. इसके अलावा कुछ एनिमल होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे फर नहीं होता है, केवल किसी एक पार्ट पे फर होता है, पूरी बॉडी पे फर नहीं होता. जैसे लॉयन की बॉडी पे पूरा कवर नहीं होती उसकी बॉडी फर से. डॉग, कैट, शिप है, इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है फर से लेकिन उनकी बॉडी पे शॉर्ट फर होते हैं. समझ में आ गया फर वाला टॉपिक आपको. फिर नेक्स्ट है, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पूरी बॉडी शेल्स से कवर्ड होती है, छोटे छोटे शेल्स उनकी बॉडी पे होते हैं, जैसे कि फिश की पूरी बॉडी शेल्स से कवर्ड होती है, स्किन नहीं होती, छोटे शेल्स होते हैं. स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, कैमेलियन, ये एनिमल ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी शेल्स से कवर्ड होती है. बर्ड्स हैं, उनकी बॉडी फैदर्स से कवर्ड होती है, छोटे छोटे फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर किए हुए होते हैं. ऐसे ही फ्रॉग और टॉड्स की बात करें तो उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल लूज, बिल्कुल पतली, लूज यानी ढीली, और मॉइस्ट मीन्स नमी वाली, हल्की सी गीली, इस तरह की स्किन से उनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है. तो इस तरह से हर एनिमल के जो अपीयरेंसेज हैं वो डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईयर्स. इसमें हम डिफरेंट एनिमल्स के ईयर्स यानी कानों की बात करेंगे. जैसे डॉग्स, कैट, गॉड, हॉर्सेस, रैबिट, इनकी बॉडी में एक्सटर्नल ईयर होते हैं यानी कि बॉडी से बाहर जो हमको दिखाई देते हैं हमारी तरह. इसके अलावा एलिफेंट, जिराफ, हेयर और रैबिट की बात करें तो इनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं. एनिमल्स सच एज लॉयन, टाइगर, गॉट एंड शिप हैव शॉर्ट ईयर्स. और अगर लॉयन, टाइगर, गॉट को देखें, आप शिप को देखें तो उनके छोटे ईयर्स होते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल के ईयर्स का साइज डिफरेंट होता है, किसी के शॉर्ट होता है, किसी के लॉन्ग होता है. बर्ड्स हैं, उनके ईयर्स एक्सटर्नल नहीं होते यानी बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, छोटे छोटे हेड के साइड में छोटे छोटे दो होल होते हैं जो ईयर्स का काम करते हैं, उन्हीं से वो सुनते हैं. और वो ईयर जो होल है वो भी फैदर यानी छोटे छोटे पंखों से कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं. इसी तरह अगर स्नेक की बात करें, वो अच्छी तरह सुन नहीं सकते, उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है या हियरिंग सेंस है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, वो सुन नहीं पाते हैं. वो केवल अर्थ पे, लैंड पे, जमीन पे जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, अगर कोई उनके पास में आता है तो बॉडी, सॉरी लैंड, जमीन है वो थोड़ी सी वाइब्रेट करती, कंपन करती है, उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि कोई डेंजर है या कोई आ रहा है, या साउंड का जो है वो सारा उसी से अंदाजा लगाते हैं. तो इस तरह से उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत वीक होती है, किसकी, स्नेक्स की. ठीक है. फिश ऑल्सो हैव इंटरनल ईयर्स, उनके भी इंटरनल यानी बॉडी के अंदर ईयर होते हैं, बाहर की साइड निकले हुए नहीं होते हैं फिश के, है ना.
बट दे यूज देयर बॉडीज टू फील एनी मूवमेंट एंड साउंड इन द वॉटर. वो भी सेम स्नेक की तरह ही पानी में कोई साउंड आवाज होती है या कोई वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, उससे वो सुनती है और डेंजर का फील करती है. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट डू नॉट हैव ईयर्स. इसके अलावा जो छोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज, ग्रास हुपर, इनके ईयर्स नहीं होते हैं. फ्यू इंसेक्ट है सच एज ग्रास हुपर, क्रिकेट एंड सम मॉथ्स हैव इनर ईयर. केवल कुछ कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जिनकी बॉडी में इनर ईयर होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर की साइड छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको वो ईयर के रूप में यूज करते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के ईयर्स के बारे में भी हमने स्टडी की लिया है और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है. होमवर्क में आपको पेज नंबर 59 पर ये जो एक्टिविटी वर्ड दिया हुआ है ये आपको करना है. इसमें क्या करना है, इसमें आपको एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको एनिमल उनकी ग्रुप का नाम लिखना है वन वर्ड में. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैट्स का ग्रुप है, तो बैट के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनी, COLONY, कॉलोनी. अ ग्रुप ऑफ बैट्स, आपको लिखना है अ ग्रुप ऑफ बैट्स और आगे लिखना है इसका आंसर कॉलोनी. सेकंड में आपको लिखना है अ ग्रुप ऑफ चिक्स और सामने इसका आंसर लिखेंगे क्लच. चिक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लच. थर्ड है अ ग्रुप ऑफ डियर, डियर मीन्स हिरन, हिरन के ग्रुप को क्या कहते हैं, HERD, हर्ड. समझ में आ गया. सेम फिर आपको फोर्थ में लिखना है अ ग्रुप ऑफ पपीज, सामने आंसर आएगा LITER, लिटर. पपीज का ग्रुप होता है लिटर. फिर है अ ग्रुप ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, सामने आंसर आएगा स्कूल, SCHOOL, स्कूल. सिक्स में आप लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ मंकीज, डैश लगा के सामने आंसर लिखेंगे TROOP, ट्रुप. नाउ सेवेंथ में आप लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ गीज, पिक्चर में भी दिख रहा है आपको गीज क्या होते हैं और सामने इसका आंसर होगा गैगल, GAGGLE, गैगल. नाउ एट्थ में आप लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स और सामने आंसर आएगा PACK, पैक, क्योंकि वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक. तो आज आपको ये एक्टिविटी का क्वेश्चन बी आपको आपकी नोटबुक में करना है. ओके, थैंक यू.